हमारे बहुत ही करम फरमा, हमारी आबरू और फकरे महाराष्ट्र मोहतरम हुसैन दलवाई साहब तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों पुरदो तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा, हमारे मुल्क की शान, हमारी तहजीब का नाम है मोहतरम हुसैन दलवाई साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अकलियती कमीशन के चेयरमैन भी रहे। आप अकलियत की जबरदस्त जो है नुमाइंदगी की है महाराष्ट्र भर में, और ये तोहफा और इनाम है कि ये नवाब मलिक साहब, हमारे कप्तान मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब और ये हुसैन दलवाई साहब ने जिस तरीके से कुर्ला को जन्नत नशा बना दिया है, दिल की गहराइयों से सलाम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। अबू शाहिद आजमी खान साहब के नाम से ये मंसूब, मरहूम के नाम से मंसूब मुशायरे में शमीम खान साहब ने खूबसूरत तकरीर की और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जहां जहां हिंदुस्तान भर में उर्दू के मुशायरे हो, शमीम खान साहब जो है मर्द मुजाहिद की तरह उस मुशायरे में शामिल रहेगा। हुसैन दलवाई साहब के हफीज मलिक साहब और रौफ चौधरी साहब, उसी के साथ साथ हमारे रमजान अली चौधरी इस्तकबाल करते हुए हुसैन दलवाई साहब का, जो हमारे महाराष्ट्र की शान और जान है, और नवाब मलिक साहब जहां जान है, हुसैन दलवाई साहब शान है, अब्दुल रशीद कप्तान साहब आन है, और फैसल हमारे इकबाल मलिक साहब, रौफ चौधरी साहब, रमजान अली चौधरी और अशद अली मुन्ना अमीन फाउंडेशन के जिम्मेदार शकील अमीन साहब, ये तमाम लोग इस्तकबाल करते हुए। भाई मैं शब्बीर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आदिल खान साहब यहाँ मौजूद हैं, तमाम मेहमानों की मौजूदगी में शब्बीर खान साहब दो लफ्ज कहना चाहते हैं अबू शाहिद खान साहब के लिए। मैं शब्बीर खान से गुजारिश करूंगा, सर माइक पर तशरीफ लाए और अपने हिस्से की सआदत ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का। जिस शख्सियत के बारे में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उसकी तारीफ के या उसके बारे में वो मोहताज नहीं है कहने के, सारे लोग आप लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ कि सारा हिंदुस्तान उसके बारे में जानता है। मैं उसे उसके पसमंजर जो उसके हालात उसके पीछे के हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। शाहिद भाई के बारे में सारी दुनिया जानती है, सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद और उनसे पहले जो मर्द मुजाहिद जो लड़ा है, जो खानदान को लेके चला है, तकरीबन इनके वालिद साहब का 83 में इंतकाल हो गया था जब ये बच्चे थे, तो मैं दिल से इज्जत करता हूं उनके बड़े भाई आरिफ आजमी साहब का, और मैं चाहूंगा जोरदार उनके साथ में तालियों हो, जो खानदान को लेके चला और आज भी चल रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि सारे लोग सिर्फ उनकी तकलीफों को जानते हैं, लेकिन उसके पसे मंजर उनके घर की तक उनके लोगों को, उनके माशी हालात को और हालात को लेके चलने वाला उतना ही बड़ा मर्द मुजाहिद आरिफ भाई है। मैं अपनी तरफ से उनको गुलपोशी करना चाहूंगा, एक शाल पहनाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये महफिल मुशायरा है, बहुत ज्यादा तकरीर ना करते हुए मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए, शुक्रिया, मेहरबानी।